इंडिया के पास सबसे ज्यादा यंग जनरेशन है आज दुनिया के किसी भी देश के पास. इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज गोइंग टू रिमेन यंग टिल 2050. नो कॉम्पिटिशन. द रीजन इज चाइना ने कुछ साल पहले ये पॉलिसी लाई थी वन चाइल्ड, और हमारे पॉलिसी मेकर्स ने कहा था हम दो हमारे दो. तो जब चाइना एक प्रोड्यूस कर रहा था हम, सो एज अ रिजल्ट आज सी अब चाइना लेटली रियलाइज रिसेंट टाइम में ये हुआ है कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इतने बढ़ गए हैं कि अब लेबर कम पड़ रहा है, और जब लेबर क्रंच होती है तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है और उनका जो एडवांटेज है वो मर रहा है. इसलिए चाइना ने डिसाइड किया कि दे आर गोइंग टू रिड्यूस 80 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स. 8 करोड़ नौकरियां उनको कम करनी पड़ रही है जो उनकी इकोनॉमी को हेल्प कर सकता है, बट उनको मजबूरी में कम करना पड़ रहा है. अगर ये जॉब्स कम नहीं की तो लेबर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, चाइना का एडवांटेज खत्म हो जाएगा उसको बचाने के लिए. और इसीलिए हमारे स्मार्ट प्रधानमंत्री ने जब इस फैक्ट को जाना कि चाइना फंस चुका है, हमारे स्मार्ट प्रधानमंत्री ने स्कीम लॉन्च की मेक इन इंडिया टू एन कैश. सो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी उनको भारी पड़ी. नाउ चाइना हैज डिसाइडेड कि वो लिबरल बनेंगे, लेकिन अब क्योंकि ये 2017 ऑलरेडी है एंड इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, अगर यहां से चाइनीज लोगों ने ज्यादा बच्चा पैदा करना शुरू कर भी दिया तो 2050 तक तो वो इंडिया से मैच नहीं कर सकते. हमने इतना एडवांटेज. नाउ यंग होने का फायदा क्या है भाई? यंग अर्न्स मोर, यंग स्पेंड्स मोर एंड यंग पेज मोर टैक्सेस, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प द इंडियन इकोनॉमी. हम कितने यंग है आपको अंदाजा दे दूं, हमारी एवरेज एज 26.5 साल है, और सेकेंड नियरेस्ट कॉम्पिटिटर चाइना है, उनकी एवरेज एज है 36 साल. 9.5 साल का गैप है एवरेज एज में. जापान 46.5, यूएस 44. तो कौन है नजदीक भाई? This young India is going to rule. We are the youngest country of the world and we are going to remain the youngest country till 2050. And young spends more का जो example दे दूँ, आप अगर 60 साल का आदमी कोई अगर garment shop में जाएगा और 3 shirt लेगा तो bill बनेगा 2000 3 shirt का. 42 का आदमी जाएगा तो 5000, और 21 साल का लड़का जो brand conscious है वो जाएगा तो 3 shirt का bill बनेगा 10,000. So young are going to spend more. सेकेंड, आप 60 ईयर के आदमी को 1,00,000 रुपया दो, वो डालेंगे एफडी में. सेविंग इज द प्रायोरिटी, इन्वेस्टमेंट नहीं. वो जाएगा एफडी में. वही 1,00,000 रुपया आप 40-42 के इंसान के हाथ में दो तो वो उसको इन्वेस्ट करता है इक्विटी में. उसको ज्यादा रिटर्न चाहिए, थोड़ा रिस्क लेने को तैयार है. और वही 21 साल के लड़के के हाथ में 1,00,000 रुपया दो, वो क्या करेगा? अरे वो 1,00,000 पूरा स्पेंड करेगा. ये तो बहुत कम सोच रहे हो आप. वो 1,00,000 का डाउन पेमेंट देके 10,00,000 की चीज खरीद के 9,00,000 का ईएमआई स्टार्ट करेगा. सो दिस इज एडवांटेज इंडिया. आर यू रेडी फॉर दिस मार्केट? बॉस पता तो होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी है. हां तो बोल दिया, जानते तो हो नहीं इस इंडिया को. किस कॉन्फिडेंस पे हां बोल रहे हो भाई? किस दोनों से हां बोल रहे हो? जानते तो हो नहीं इस इंडिया को, इसलिए किया भारत से नहीं.